आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। बीडीए के नाम पर फर्जी अधिकारी कर्मचारी बनकर जनता का उत्पीड़न करने वाले पर अब लगेगी लगाम। बीडीए के नाम पर फर्जी अधिकारी कर्मचारी बन जनता के साथ धांधली करने वालों की अब खैर नहीं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और बीडीए सचिव नंदकिशोर लाल ने जनपद वासियों से अपील की कि अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति अपने आप को बीडीए का कर्मचारी बताते हुए अभिलेख या अन्य कोई सूचना मांगता है तो उस कर्मचारी का परिचय पत्र अवश्य मांगे। यदि कोई आपको संदिग्ध प्रतीत होता है तो तत्काल उसकी सूचना हमें दें। बस्ती विकास प्राधिकरण के गांधी कला भवन स्थित कार्यालय में लिखित रूप से आप इसकी सूचना दे सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने ये भी बताया कि नक्शा बनवाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आप आवेदन कर सकते हैं और अब आपके साथ किसी भी तरह की कोई धांधली नहीं होगी क्योंकि अब बीडीए के अधिकारियों के पास होगा उनका अपना आई कार्ड। प्रथम तो सारे महत्वपूर्ण अखबारों में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हम ये सूची प्रकाशित कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति प्राधिकरण का है और कौन अधिकारी प्राधिकरण का नहीं है। दूसरा ये कि प्राधिकरण के जो भी कर्मचारी होंगे उनको सभी को एक आईडी कार्ड पहचान पत्र उनको सभी को इश्यू कर दिया गया है ताकि जो भी व्यक्ति स्थल पर जाए वो जनता को बताए कि मेरा नाम ये है और मैं बस्ती विकास प्राधिकरण में काम करता हूँ और इस नियम के तहत इस अधिकारिता के तहत मैं आपका जो ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस कंस्ट्रक्शन का निरीक्षण करने के लिए आया हूँ। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि अनायास ही कोई भी व्यक्ति यूं ही जो है आम जनता के पास पहुँच कर स्वयं को प्राधिकरण का कर्मचारी बताकर नियमों का दुरुपयोग ना कर सके या फिर किसी प्रकार की अवैध गतिविधि का संचालन वहाँ पर नहीं कर सके, ये इसलिए ज़रूरी है। तो आम जनता से भी मेरी अपील है ये कि कोई भी व्यक्ति अगर उनके समक्ष आए और कहे कि वह प्राधिकरण का कर्मचारी है तो उनसे वह पहचान पत्र की मांग अवश्य करें। उसके अलावा अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत आम जन की है तो वह प्राधिकरण के सचिव के नंबर पर और जो दूसरा नंबर हमने जो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हम छाप रहे हैं उन दोनों नंबरों पर संपर्क करके प्राधिकरण को अवगत अवश्य कराएं। प्राधिकरण के राजस्व को बढ़ाने के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण है कि शासन की तरफ से शमन योजना आई है। मैं आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि शमन योजना में अधिक से अधिक भागीदारी करें। इस शमन योजना के तहत जो है वो अनेक प्रकार के शुल्कों से, अनेक प्रकार के जुर्माने से जो है वो बड़े स्तर पर इसमें राहत दी गई है और आम जनता के पास अपना जो निर्माण है उस निर्माण का नक्शा पास कराने का और इस निर्माण को लीगल बनाने का ये एक बहुत ही स्वर्णिम मौका है। और हमें पूरी उम्मीद है कि शमन योजना के माध्यम से न सिर्फ बस्ती के आम जन को लाभ पहुंचेगा, बल्कि इससे प्राधिकरण को भी अच्छा खासा रेवेन्यू होगा। नया थीम चल के आ रहा है उसके संबंध में हमने बस्ती में कुछ जगहों का चयन किया है और शीघ्र ही अखबार में टेंडर की विज्ञप्ति जो है वो जारी हो जाएगी और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले दो हफ्ते में बस्ती शहर में कुछ जगहों पर हम जो है सौंदर्यीकरण के प्रोजेक्ट लागू करेंगे। उसके अलावा भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं पाइपलाइन में है जिसके बारे में हम शीघ्र ही एक हफ्ते के अंदर अंदर आम जनता को और मीडिया को भी प्राधिकरण अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बन रहे हैं। प्राधिकरण की वेबसाइट है, आप प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से भी आप अपने नक्शे का जो है वो ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं। उसके अलावा आम जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अब प्राधिकरण में नक्शों को सबमिट करने की और नक्शों को पारित करने की प्रक्रिया का बहुत ही सरलीकरण कर दिया गया है। हम जो है न्यूनतम से न्यूनतम समय में नक्शों को पारित करने का प्रयास कर रहे हैं और जिन लोगों को पहले नोटिस दिए जा चुके हैं अवैध अतिक्रमण के मामले में उनसे भी मेरी उम्मीद है कि वो शर्मन योजना के अंतर्गत आर्किटेक्ट से अपना नया नक्शा बना के जल्द ही सबमिट करा दें। हम सकारात्मक रूप से उनके नक्शों का संज्ञान, जो एग्जैक्ट तकनीकी क्राइटेरिया है वो तो एक्चुअली जब महायोजना का निर्माण किया जाता है उसी वक्त उसका डिसीजन लिया जाता है, उसके बाद उसमें बदलाव करना बहुत ही कठिन और जटिल प्रक्रिया जिसमें शासन के स्तर से भागीदारी आवश्यक है।